हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ साइंस। मैं हूं ईशा व्यास, जो कि आपको आज इस वीडियो में ये बताने वाली हूं कि नीट के अलावा ऐसे कौन कौन से मेडिकल कोर्स हैं जिनका कौन कौन सी इंस्टीट्यूट कौन कौन सा एंट्रेंस टेस्ट लेती है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो NTA है वो नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो वो नीट का एग्ज़ाम जब कंडक्ट करवाती है तो अपन को MBBS और BDS में सीट मिलती है, लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं उसमें BSc नर्सिंग और लाइफ साइंस में भी अपन को सीट नीट के स्कोर के हिसाब से अपन को मिल जाएगी। अब हम देखते हैं जो जिपमर है, जिपमर ने इस बार क्लियरली बता दिया है कि उसका कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, उसमें जो भी एडमिशन है वो नीट के स्कोर पर आपको ले लिया जाएगा। अब हम देखते हैं DU ने भी सेम बात बोली है जिपमर जैसी कि उसका कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होएगा, उसमें एडमिशन नीट के स्कोर से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं BHU में पेपर होता है ICAR का। ICAR है जो मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों के कैंडिडेट देते हैं। अब BHU है, उसमें तीन और कोर्स होते हैं, BSc नर्सिंग और BPharma आयुर्वेदा। इनका एग्ज़ाम कब होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब निकलेंगे, इसकी जब भी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। अब हम बात करते हैं CMC वैल्यूर की। जो CMC वैल्यूर है उसमें MBBS नीट के थ्रू होएगी, लेकिन ये और अदर भी जो मेडिकल कोर्स है वो भी कंडक्ट करवाती है। तो ये जब जो भी कंडक्ट करवाएगी कोर्स, जो भी इसका एंट्रेंस टेस्ट होगा, जब भी इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलेगा, मैं आपको न्यूज़ ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी। अब हम बात करते हैं कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स आते हैं अलग अलग मेडिकल के कोर्स करने के लिए। तो जो जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है वो बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्स करवाते हैं, साथ ही हम देखते हैं जो वो BSc नर्सिंग भी करवाती है। उसकी जो BSc नर्सिंग है वो फीमेल कैंडिडेट्स होती है, फीमेल अनमेरिड कैंडिडेट्स ये है जो एंट्रेंस टेस्ट दे सकती है। तो जो अनमेरिट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये अच्छा मौका है कि आप वहाँ पे ये इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म मतलब फिलअप करें और वहाँ का एंट्रेंस टेस्ट दें। अब हम बात करते हैं कि जो CU CET है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका सारी लगभग 4 से 5 यूनिवर्सिटी मिलके या बहुत सारी यूनिवर्सिटी मिल करके एक एंट्रेंस टेस्ट का आपको कन्वर्ट करवाएगी। जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो कब होगा वो आपको जरूर बताया जाएगा, लेकिन हम बात करते हैं इसमें और आगे कि जो CU CET है उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी शामिल होती है। शायद इस बार उसमें BHU को भी शामिल कर दिया जाए, BHU को शामिल करेंगे या कुछ भी होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर देगी। CU CET बहुत सारे कोर्स करवाती है, जैसे BA, BCom, BSc, BCA, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल बहुत सारे करवाती है, लेकिन हम देखेंगे इसकी एक मेन बात ये इंटीग्रेटेड कोर्स भी करवाती है, जैसे कि ये BSc के साथ BEd भी करवा सकती है, ये इसका इंटीग्रेटेड कोर्स है। ये पोस्ट ग्रेजुएशन भी करवाती है, जैसे कि MSc के साथ MEd, MSc के साथ BEd, ऐसे टेस्ट भी ये आपको प्रोवाइड करवाती है, ऐसे कोर्स भी आपको करवा सकती है। अब हम बात करते हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि BEd का एंट्रेंस टेस्ट करवाता है। तो BEd का एंट्रेंस टेस्ट इसका अब जून में होने वाला है, उसके लिए अब जून में आप तैयारी करें और इसका पेपर दें। इसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म आई थिंक 15 मार्च से मई के बीच बता रहे हैं, 15 मार्च से 31 मई के बीच कभी भी निकल सकता है, लेकिन संभावना है मई में ही इसका फॉर्म निकले। तब तक के लिए आप लगातार पढ़े, देखिए नीट के जो नीट का पेपर आप दोगे उसके साथ साथ आप कितने कोर्स कर सकते हो, कितनी लाइन में आप जा सकते हो। तो नीट का पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, उसके लिए पढ़े, लगातार आप पढ़ाई करते रहे, प्रिपरेशन करते रहे, प्रिपरेशन को रोके नहीं, और जो लाइफ साइंस के द्वारा आपको लाइव क्लासेस दी जाती है उसको ज़रूर अटेंड करें। और इस वीडियो के थ्रू जो भी वीडियो नया अपलोड हो उसके लिए आप बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप लगातार पढ़ो, मेरी यही आशा है कि आपका नीट का पेपर बहुत अच्छा हो, नीट 2021 में आप सबका सिलेक्शन हो। तब तक के लिए बाय बाय।